सभी ने देखा होगा कि इस तथा कथित INDIA / घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि मारन, उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA / घमंडिया के घटक दल है। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 UPA सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विथड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही है। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और यही इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बाय चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई, सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और ये भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय
किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच एंड वी आर नॉट हैविंग एनी रे ऑफ होप फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफ दिस INDIA / घमंडिया गठबंधन. सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन एन ऑब्जर्वेशन दैट दे विल टेक अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी हेट स्पीच. सो आई होप दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल बी कीपिंग एन आई एंड विल बी हैविंग द स्ट्रिक्ट विजिल एंड विल टेक appropriate step on this utterly unequivocal damaging violence provoking hate speech because it is not only insult it is saying eradication means to finish by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. mere bhai अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है. वायरस ये नहीं है, द वायरस इज इन योर माइंड एंड दिस वायरस इज नथिंग बट वन इज अ मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी एंड अदर इज अ मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी. और इस अमृत काल में इस विष को निकालना होगा. मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, यू टॉक अबाउट द तमिल प्राइड एंड ही वॉज सेइंग दैट द सनातन इज अ वर्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज. आई वुड लाइक टू से ऑल द सो कॉल्ड द्रविडियन पार्टीज यूज द वर्ड द्रविड. द्रविड इज नॉट अ तमिल वर्ड, इट इज अ संस्कृत वर्ड विच इज बीन मिस अप्रोप्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स. इट इज पार्ट ऑफ टू वर्ड्स ऑफ संस्कृत. द्रव मीन्स लिक्विड, ड मीन्स धरती. दैट इज दैट पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वॉटर. And it has been used by Adi Shankaracharya. और वेदों में सुनाशेप की कथा में आता है. आदि शंकराचार्य when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they ask, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, अहम द्रविड शिशु अस्मि. मैं द्रविड शिशु हूं. All the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this southern India, which they called the Dravid land. It is called Dravid land in the Sanskrit text. Advait ke pravartak Shankaracharya, Kerala se. Dvait ke pravartak Madhvacharya, Karnataka se. Vishishta Dvait ke pravartak Madhvacharya, Karnataka se. Dvait ke pravartak Ramanujacharya, Tamil Nadu se. द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य आंध्र से. वेदों पर एकमात्र भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य विजयनगर एम्पायर से, यानी आज का कर्नाटक और आंध्र. मान्यवर क्या हिस्ट्री पढ़े हैं, ये कौन सा वायरस आपके दिमाग में घुस गया है. और मैं इसलिए ये भी कहना चाहता हूं, ये वायरस जानते कहां से घुसा है. देर वॉज a British missionary whose name was G.U. Pope, George Uglow Pope. He has first time tried to bifurcate and he used the word Tamil race. मैं कहना चाहता हूं जाके पढ़ो उसने क्या क्या लिखा है आपके बारे में. इतनी negative बातें भी लिखी हैं. And those who want to cherish, there was another father, his name was John Lazarus. He has written objective thing, but you are not ready to accept the objective thing. G.U. Pope has written all the thing with design, aur wo samajh mein aane ka prayas hota hai. I would just like to say that in Thirukkural 1330 verses were written by our esteemed Tamil saints, aur usme teen part. परुल आदम काम, धर्म अर्थ काम, जो धर्मशास्त्र में लिखा है. मगर अफसोस यह है
कि ये मैकॉले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है कि अपनी ही नहीं पढ़ रहे हैं संस्कृति। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं उदयनिधि से भी कहना चाहूंगा, अरे वो दिन गए जिस ढंग की फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं, शेड दिस वायरस ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ मैकॉले एंड 20th सेंचुरी ऑफ मार्क्स, कम टुडे एंड सी व्हाट मोदी जी इज डूइंग। हमने तमिल संस्कृति को जो सम्मान दिया है, सिंगोल विच इज बीन डिस्कार्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद फुल ऑनर एंड प्रेस्टिज इन द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। आई वुड लाइक टू रिमाइंड, जो देर वॉज अ वेरी फेमस तमिल स्क्रिप्चर चिल्लु पत्तिकारम, जिसमें कन्नगी अम्मा और कोवलम की कथा है, और जब कन्नगी देवी के साथ अन्याय होता है तो कहा जाता सिंगोल टेढ़ा हो गया था। एंड दे वॉन्ट टू रिड्यूकल, दे आर रिड्यूकलिंग द तमिल कल्चर। एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव तमिल प्राइड देयर, यस इट इज देयर इन द सन लेबोरेटरी विच इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड इन यूरोप, विच हैज डिस्कवर्ड द हिग्स बोसॉन द फंडामेंटल पार्टिकल। और उसकी लॉबी में जाइए तो नटराज की मूर्ति लगी हुई है विच इज फ्रॉम तंजावूर इन तमिलनाडु। मोदी जी हैज गॉट, यू रिमेंबर द शी जिनपिंग टू महाबलीपुरम, हैज एनीबडी एवर थॉट अबाउट द तमिल इन्फ्लुएंस ओवर चाइना, बिकॉज देर वॉज अ किंग हु कन्वर्टेड इन टू बुद्धिज्म विद द नेम बोधिधर्मा एंड देन ही वेंट टू चाइना एंड बाय द नेम दामो ही हैज बिकम द पैट्रियार्क ऑफ जैन बुद्धिज्म। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम almost 80% of China was Buddhist, and they considered this king from Mahabalipuram as their patriarch. This was Modi ji have thought about it. So I would like to say, whether it is the development, whether it is the education, whether it is the self pride, in all the aspects, there is no comparison between NDA under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and INDIA/Ghamandia under the leadership of Pehchan Kaun. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.